यूपी के रामपुर में आज व्यापार मंडल के अधिकारियों ने जिला प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर पालिका के ईओ के संग बैठक कर मीटिंग की। इस दौरान व्यापारी नगर पालिका के ईओ पर जमकर बरसते नजर आए। व्यापारियों का बड़ा आरोप, नगर पालिका क्षेत्र में जरा सी बारिश में नालियां खरेंजने व लोगों के घरों में पानी भर जाता है, जिससे बीमारियां उत्पन्न हो रही है। यही नहीं, नगर पालिका की मनमानी के चलते व्यापारियों से वसूली भी की जा रही है, जो गैर कानूनी है। वहीं व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने कहा कि नगर पालिका की सैकड़ों दुकानें खाली पड़ी हैं, पर उसका आवंटन नहीं किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों रुपए सरकार के खर्च किए गए हैं। पिछली सरकार से अब तक इस सरकार में किसी को भी इस दुकानों का आवंटन नहीं कर रही है नगर पालिका। नगर पालिका के मामले में पहले भी जिलाधिकारी महोदय की मीटिंग में व्यापार बंधु और उद्योग बंधु में अवगत कराया जा चुका है कि नगर पालिका के अंदर बाजारों के अंदर तीन दिन का, अगर 3 मिनट का पानी पड़ता है तो बाजारों में आज की तारीख में नाले भर जाते हैं, जिससे कपड़े की दुकानों के कपड़े खराब हो रहे हैं, दुकानदारों का सामान खराब हो रहा है। नगर पालिका नाली से कीचड़ निकालने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही बाजार में शौचालय नाम की व्यवस्था नहीं है। अगर किसी बाजार में किसी महिला को शौचालय जाना हो, किसी व्यापारी दुकानदार को शौचालय जाना हो, तो वो परेशान है। इस बात को लगातार हम व्यापार बंधु की बैठक में उठा रहे हैं, लेकिन नगर पालिका के अधिकारी, नगर पालिका के ईओ इस बात पर गंभीरता से ध्यान नहीं दे रहे हैं। नगर पालिका में के द्वारा पिछले 5 साल के अंदर कोई भी बाजार में शौचालय नहीं बनाया गया है। बार बार जाम की बात आती है, व्यापारियों को दबरा दिया जाता है, व्यापारियों को परेशान किया जाता है, लेकिन इस बात को नगर पालिका अपना फ़र्ज, अपना कर्तव्य अदा करने को तैयार नहीं है। लगातार मांग के बावजूद नवाब गेट के बाहर, शबाब गेट के बाहर जो पार्किंग बननी चाहिए या सिविल लाइन्स पर कहीं पार्किंग बननी चाहिए, नगर पालिका के द्वारा कोई भी जनपद रामपुर में नगर क्षेत्र में पार्किंग नगर पालिका द्वारा नहीं बनाई गई है। इसके लिए नगर पालिका लगातार दोषी है। मौजूदा हालात में आज की तारीख में वायरल फैल रहा है, मच्छरों से लोग परेशान हैं, बरसात होने से मच्छरों की तादाद बढ़ गई है। किसी प्रकार की कोई दवाई भी इस साल नगर पालिका द्वारा नहीं छिड़की गई है। बापू मॉल की दुकानों के मामले में लगातार व्यापार मंडल ने मांग की है कि कलेक्ट्रेट के अंदर, नगर मजिस्ट्रेट महोदय के सामने या जिलाधिकारी कार्यालय के अंदर नीलामी होनी चाहिए। नगर पालिका में नीलामी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नगर पालिका में अगर दुकानों की नीलामी होगी तो वहाँ माफियागिरी होगी, क्योंकि इससे पहले वहाँ गोली चल चुकी है, हादसे हो चुके हैं नीलामी के दौरान। तो हमारी ये मांग है कि जो भी बापू मॉल की नीलामी हो वो जिलाधिकारी कार्यालय में हो और कलेक्ट्रेट के अंदर। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाए।